हेलो। हाँ बेटा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है बेटा, किसका? क्लोरोमीथेन का और फ्लोरोमीथेन का, या मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल फ्लोराइड। आप मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, मिथाइल फ्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनका डाइपोल मोमेंट हमें कंपेयर करना है बेटा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट इन दो कंपाउंड में, एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का ज्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो कार्बन और फ्लोरीन वाला बॉन्ड है, ये ज्यादा पोलर है इसके कंपैरिजन में, कार्बन और क्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। वैसे भी हमें मालूम है फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस यहां पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपका पोलर है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। बट डायपोल मोमेंट एक्चुअल में जो मेजरमेंट होती है, तो डायपोल मोमेंट इसका इसका फाइंड आउट किया जाता है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है, यानी क्लोरोमीथेन का डायपोल मोमेंट फ्लोरोमीथेन से ज्यादा है बेटा, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझाते हैं, देखो बेटा, डायपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन होती बेटा, डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, पहले तो डेफिनेशन देखो बेटा। डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड Q इंटू टू ए, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, Q, यानी डायपोल मोमेंट, यानी एक चार्ज यहां पे प्लस Q रखा हुआ है और एक चार्ज माइनस Q रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो टू ए है, तब आपके पास डायपोल मोमेंट की ये डेफिनेशन होती है बेटा, क्यू इंटू टू ए, ठीक है। ये क्लियर है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब बेटा डायपोल मोमेंट आपके दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक कर रहा है चार्ज पे और एक कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस पे, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण यहां पे जो डेल्टा निगेटिव चार्ज है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए डेल्टा पार्शियल चार्ज हम लेते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव की वैल्यू यहां पे हम डबल डेल्टा लगा देते हैं, ये शो करने के लिए कि यहां पे जो डेल्टा निगेटिव है उसके कंपैरिजन में कम है, और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो डाइपोल मोमेंट जो है यहां पे, चार्ज की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, बट जो जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ कम है बेटा, ठीक है। यहां पे चार्ज की वैल्यू ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आपकी कम है, तो सम टोटल जो ये क्वांटिटी आई, इसकी वैल्यू आपकी इसके लिए कम आई बेटा, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इस केस में जो ये चार्ज डेवलप हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, बट ये मैग्नीट्यूड कंपनसेट हो गया किससे? बॉन्ड लेंथ से, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्लियर है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण जब इन इन दोनों का प्रोडक्ट किया, चार्ज इनटू चार्ज क्या है, ये इतना है, कम है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो जब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो वो प्रोडक्ट आपका इससे जो इधर वाला जो आपका फ्लोरोमिथेन है उससे आपका वो प्रोडक्ट ज्यादा आ गया, ठीक है। इसलिए डायपोल मोमेंट क्लोरोमीथेन का ज्यादा होता है फ्लोरोमीथेन से, ठीक है बेटा, बहुत क्लियर होना चाहिए।